धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। क्या आपने कभी किसी गांव, देहात, कस्बे में किसी को बोलते हुए देखा है कि थानेदार अपना आदमी है? उसके बाद लोगों में क्या परसेप्शन जाता है? लोगों को लगता है अगर थाने भी जाएंगे तो हमें इंसाफ तो मिलेगा नहीं। ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है देश की राजनीति में। तमाम संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को लेकर तरह तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं, तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है ये हमारा बंदा है, कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा। इस पूरी खबर में दो वाक्य आपके सामने रखूँगा और आपको सोचना चाहिए किस तरीके के लोग आज सत्ता में आप लोगों ने बैठा दिए हैं और वो किस तरीके की मानसिकता लेकर संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोगों को बारे में कुछ भी बोल देते हैं और कैसे बोल देते हैं। क्या इनको किसी चीज़ का एहसास नहीं है, कोई डर नहीं है? कैसे इनके मुंह से अल्फाज निकल जाते हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके बारे में ये कह रहे हैं वो ज़रूर इनके आदमी हैं, लेकिन जिस तरीके का परसेप्शन बना रहे हैं, जिस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए, इंसाफ मिलना ही नहीं चाहिए, इंसाफ दिखना भी चाहिए। न्याय मिलना ही नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। होते हुए भी दिखना चाहिए कि हाँ न्याय हुआ है। लोग कहें हाँ जी हमने न्याय कर दिया है, और न्याय हुआ नहीं है, इंसाफ मिला नहीं है। तो सिर्फ जुमलेबाजी में इंसाफ नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर हमारे पास आ रही है यूपी से। पहली खबर यानी कि यूपी से रख रहा हूँ आपके सामने। योगी सरकार में सहकारिता मंत्री हैं मुकुट बिहारी वर्मा महोदय। ये बहराइच पहुँचे सरकार के काम गिनवाने के लिए। आजकल ये काम ज़्यादा चल रहा है, हमने देखा होगा मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो आजकल एक पूरी रथ यात्रा लेके चल रहे हैं। वसुंधरा राजे पूरी एक रथ यात्रा लेके चल रही हैं। तमाम तरीके की रथ यात्राएं चल रही हैं। 2019 के चुनाव से पहले हो सकता है मोदी जी भी पूरे देश में रथ यात्राएं लेके कुछ चलने लग जाएं। ट्रेंड है ना जी, मीडिया कवरेज चाहिए और मीडिया तो भोंपू बन गया। दलाली कर रहा है, चाटुकारी कर रहा है, कुछ काम तो उसको रहा नहीं है। तो जो सरकार से मिल रहा है वो लोगों को परोस रहा है। देखिए, इसे मीडिया नहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का बयान डेढ़ घंटे चल रहा है। ये मीडिया थोड़ी हो, ये तो पीआर हो गया है। मीडिया का मतलब ये है कि डेढ़ घंटे में प्रधानमंत्री ने कहाँ कहाँ क्या गलत बोला, क्या सही बोला, उसे ले जा के लोगों के सामने रखे और सच्चाई ज़मीन पर जाके दिखाए कि देखिए प्रधानमंत्री ने बोला पूरे गाँव में हमने उज्ज्वला योजना दे दी है, वहाँ पर लोग गैस जलाने लगे। जाके बताए ना गैस जला रहे हैं क्या। अगर गैस जला रहे हैं तो इतना सारा आज ये जो पशु हैं, गायें हैं, भैंस हैं, इनका जो गोबर है वो कहाँ जा रहा है? उसका कहीं ढेर तो लगता हुआ दिख नहीं रहा है। सब कहीं तो दिखे, वो कुछ तो फूंक ही रहे होंगे ना लोग। अब वो किस चीज़ में फूंक रहे हैं ये एक सवाल है। खैर, मुकुट बिहारी वर्मा महोदय पहुँचे बहराइच, वहाँ पे सरकार का गुणगान किया। गुणगान करते करते प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, एक पत्रकार ने सवाल किया राम मंदिर को लेकर, तो उनके अंदाज देखिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा साहब, जिस तरीके से विधायिका और जिस तरीके से कार्यपालिका हमारी है, जबकि कार्यपालिका उनकी नहीं होती है, ठीक है, आप सदन में बैठे हैं, आपके पास बहुमत है, तो आप ये भी नहीं कह सकते विधायिका आपकी है। विधायिका में विपक्ष के लोग भी होते हैं। विधायिका मतलब जो भी सदन है उसमें विपक्ष के लोग भी होते हैं। किसी कानून बनवाने में या किसी कानून के खिलाफ कुछ वोट करने में उनकी भी भूमिका होती है, उनकी भी राय ली जाती है। तो ये नहीं कहा जाता है कि एक छत्र राज हो गया है। ये पढ़े आपके पास कितना भी बहुमत हो, ये कहा जाता है सबकी राय का सम्मान होगा। ये विधायिका है, यहाँ सब लोगों को अपनी राय रखने का अधिकार है। खैर, तो उन्होंने कहा जिस तरीके से विधायिका हमारी है, जिस तरीके से कार्यपालिका हमारी है। अब कार्यपालिका हमारी है मतलब जो IAS IPS और जितना नीचे जाकर पटवारी, लेखपाल, सिपाही, जो भी होमगार्ड वगैरह सब है, वो हो गया आपका कार्यपालिका। तो उसे कह रहे हैं वो भी हमारी है, यानी कि वहाँ भी इन्हीं के लोग लगे। यहाँ ये चीज़ ये साबित नहीं करती है उनके बोलने से कि वो तमाम लोग इनके हितेशी हैं, या आँख मूंद के सिर्फ इन्हीं की बात कर रहे हैं कि संवैधानिक मूल्यों का पालन नहीं करते। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन इनका अंदाज है ये। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी हमारा है, और जब सुप्रीम कोर्ट हमारा है तो सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी हमारे ही हक में आएगा और वहाँ राम मंदिर ज़रूर बनेगा। हम लोगों ने चुनाव, ये लाइन ज़्यादा ध्यान से चुनने की ज़रूरत है, कि हम लोगों ने चुनाव ज़रूर विकास के मुद्दे पर लड़ा, लेकिन हम राम मंदिर के मुद्दे पर ही 2019 का चुनाव लड़ेंगे और राम मंदिर हमारी प्राथमिकता में है। ये कहा है यूपी के मंत्री ने, जिसने शपथ ली संविधान की कि जो धर्म, जाति, वर्ग, तमाम चीज़ों से ऊपर उठकर, किसी द्वेष से ऊपर उठकर सबको एक समान न्याय दिलाने की कोशिश करेगा और किसी के पास द्वेषपूर्ण, किसी के खिलाफ, समाज के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन ये दर्शाता है कि माहौल किस तरीके से बनाया जा रहा है। दूसरा मामला देख लीजिए जम्मू कश्मीर से।
ये पुराना मामला है, आपके सामने आ भी गया होगा, लेकिन इसी मामले को इससे जोड़कर देखा जाना है। भाजपा के यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र रैना, वहाँ पर राज्यपाल हुआ करते थे एनएन वोरा साहब, पिछले 10-12 साल से वो राज्यपाल थे। वो काफ़ी अच्छे से जम्मू कश्मीर के बारीकियों को जानते थे, लेकिन सबको अपने लोग बैठाने हैं ना जी, और राज्यपाल ये तमाम लोग तो अपने ही होते हैं, तो अपने लोग बैठा दिए। सतपाल मलिक को वहाँ पर राज्यपाल बना के भेज दिया गया। तो रविंद्र रैना का जो बयान आया तो वहाँ आपने सुना ही होगा, दोबारा से आपके सामने वो बयान रख देता हूँ। उन्होंने कहा राज्यपाल तो हमारा बंदा है, और जो एनएन वोरा उससे पहले थे वो कांग्रेस माइंडेड थे और हमारी बातों को नहीं सुनते थे। अब आप सोचिएगा कि किस तरीके की मानसिकता लेकर किस तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या राज्यपाल के पद को इन्होंने ये कहकर कि राज्यपाल हमारा बंदा है धूमिल नहीं किया है, उस पद की गरिमा को नहीं गिराया, लोगों की नज़रों में इमेज को नहीं गिराया। ठीक है, पर्दे के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन पर्दे के सामने खड़े होकर बोला जाए तो ये कैसा लगेगा। यहाँ अब सवाल मेरा ये है कि क्या विपक्ष के नेताओं का ये कहना कुछ गलत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे विपक्ष के प्रधानमंत्री नहीं है। हालांकि वो ये भी कहते हैं साथ में कि नहीं, ये प्रधानमंत्री, हम इनको मानते हैं, लेकिन बीजेपी का जैसे अंदाज है उनके लोगों का, तो वहाँ ये कहना कुछ गलत ना होगा कि प्रधानमंत्री उनका बंदा है। तो ये तहजीब तमीज़ इन लोगों को थोड़ी सिखाई जाए, कम से कम इनको संवैधानिक मर्यादाओं का पालन कराने की जिम्मेदारी तय कराई जाए, इन पर कुछ डंडा चलाया जाए, इनकी जो बेलगाम जबान है उस पर कुछ अंकुश लगाया जाए। नहीं, ये लोग जितनी भी तमाम संवैधानिक, अब ये कल को कोई कह दे चुनाव आयोग में बैठे हुए इलेक्शन कमिश्नर हमारा बंदा है, लोगों का क्या विश्वास रह जाएगा जी चुनाव पे? लोगों को लगेगा जब ये बीजेपी का बंदा है, ये बीजेपी का आदमी बैठा हुआ है, चाहे कि वो हो ना, लेकिन इन्होंने उनकी इमेज ऐसे पेश कर दी, कल को चुनाव होगा तो क्या लोग मान लेंगे निष्पक्ष चुनाव होगा? सुप्रीम कोर्ट से अगर मान लीजिए कल को फैसला आएगा बाबरी मस्जिद पे, और जिस तरीके का माहौल बनाया जाएगा कि ये तो हमारा बंदा है, ये तो हमारे लोग बैठे हैं, ये तो हमारा है, तो क्या होगा उससे? राज्यपाल अगर कल को जम्मू कश्मीर में कोई फैसला लेते हैं और वो फैसला बीजेपी के हक में जाता हुआ दिखाई देता है तो क्या लोग कहेंगे नहीं कि तो राज्यपाल जो है इन्हीं का बंदा, इन्हीं के फैसले ले रहा है? तो कम से कम इन लोगों को कुछ तहजीब तमीज़ सिखाई जाए, अगर इन्होंने नहीं सीखी है, क्योंकि लंबे अरसे से यूपी में खैर सरकार में नहीं थे, केंद्र की सरकार में भी नहीं थे, 10 ऐसे विधायकों को मंत्री बना दिया है योगी सरकार के अंदर जो पहली बार जीत के आए, उसे एप्लीकेशन पकड़ने की तमीज़ नहीं होगी, वो कैसे सरकारी अधिकारियों से काम लेना जानता है, उसे क्या पता फाइल कैसी होती है, कैसे तमाम चीज़ें होती है, उसे तो सिग्नेचर करना भी ढंग से नहीं आता होगा अपना। तो इस पर सोचने की ज़रूरत है, और इनको ट्रेनिंग दिलाइए कम से कम, इनको कुछ सिखाइए। ये खबर कैसी लगी आपको कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।